दूसरी ओर अंबाला शहर में पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और सबसे गंदे शहरों में घोषित हो चुका है। उसका कारण यही है कि चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके साथ साथ दिवाली के त्यौहार पर जो पटाखे जलाए गए हैं लोगों के द्वारा, वो भी इसका मुख्य कारण है। लोगों के द्वारा पटाखे जलाकर सड़कों पर जो गंदगी फैलाई गई है उसको आज तक साफ नहीं किया गया है, जिसके कारण पॉल्यूशन का स्तर एकदम से बढ़ चुका है। AQI लेवल को लेकर बात की जाए तो AQI लेवल 300 को पार कर चुका है। अंबाला शहर में गंदगी की समस्या भी आम हो चली है। सड़कों के किनारों पर चारों तरफ गंदगी है। यही कारण है कि अंबाला सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है और सफाई की व्यवस्था भी चरमरा गई है। भारी ट्रैफिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का बड़ा कारण है। लोगों को बढ़ते पॉल्यूशन के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और पराली जलाना भी इसका मुख्य कारण है। शहर में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ चुका है। अगर बात करें तो पूरे भारतवर्ष में अंबाला का पॉल्यूशन है वो टॉप पर रहा है, जिसमें कि अंबाला गंदगी में सबसे ऊपर आया है। इसका कारण यह है कि लगातार जो है त्योहारों पर ट्रैफिक जो है बहुत निकल कर आया है, और इसके साथ साथ जो किसानों के द्वारा परालियां जलाई जा रही हैं उसके कारण भी पॉल्यूशन फैला, और कहीं ना कहीं दिवाली का त्यौहार है उसके कारण भी पटाखे चले और जो पॉल्यूशन है इंडेक्स लेवल है वो 300 के पार हो गया है। और यही कारण है कि अंबाला सबसे ज्यादा गंदा शहर घोषित हुआ है। उसका एक कारण और भी है कि जो अंबाला शहर में गंदगी है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और हर जगह जो है गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, हर जगह गंदगी की समस्या है, जिसको लेकर अंबाला में नगर निगम भी सचेत नहीं है। और बात करें तो अंबाला के पोल्यूशन की जो इंडेक्स लेवल है वो 300 से पार है, जिसके कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ पदम जी है जो यहाँ पर अंबाला में ही रहते हैं, मौजूद आदमी है। क्या कहना चाहेंगे सर, अंबाला का इंडेक्स जो है प्रदूषण लेवल है वो सबसे ज्यादा बढ़ चुका है और अंबाला सबसे गंदे शहरों में आया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, अंबाला पहले थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, अब तो उसका पॉल्यूशन का लेवल इतना हो गया, जैसे कि कल और परसों दो दिन पटाखे चले हैं उससे सारा वातावरण खराब हो गया। जिस इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसके लंग्स में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, उसको तो बहुत दिक्कत हो गई है। वो तो अस्पताल में ऑक्सीजन ले रहा है या अपने आप को इलाज के लिए दवाई ले रहा है। गंदगी के ऐसा है, गंदगी जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ डंपिंग पॉइंट बना देते हैं। लोगों को ये नहीं पता भाई कहाँ इस कूड़े को गिरना है, कहाँ नहीं गिरना है, जहाँ सड़क के ऊपर है वहीं गिर देते हैं। इसका ये भी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण ये भी है। तीसरा, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, ट्रैफिक इतनी हो गई है, आधा आधा घंटा जाम लग जाता है, उससे भी प्रदूषण को बहुत फर्क पड़ता है। और 300 से ऊपर प्रदूषण इस समय अंबाला का हो चुका है, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। देखिए, बहुत शर्म की बात है इनका कहना है, और लगातार जो है पोल्यूशन जो है लगातार बढ़ रहा है और अंबाला गंदगी की ओर है। अंबाला जो है गंदगी में पोल्यूशन में सबसे ऊपर आया है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन अंबाला में देखा गया और गंदगी भी अंबाला में पाई गई है। 300 के पार यहां पर पोल्यूशन पहुंचा है। इस समय मैं बेटी बढ़ाओ चौक पर हूँ, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रैफिक की व्यवस्था। जो ट्रैफिक है वो देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक है, चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और ये अंबाला शहर का मेन चौक है। अगर AQI लेवल की बात करें तो 300 के पार, 357 के करीब AQI लेवल हो चुका है, जिसके कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन के स्तर पर अंबाला सबसे गंदा शहर घोषित हुआ है। गंदगी की बात करें, गंदगी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, वहां भी गंदगी बहुत ज्यादा है, पटाखे भी बहुत चलाए गए हैं, जिसके कारण पोल्यूशन